जो मिडिल कलर है उसके साथ मैंने मैच किया ट्राउजर कर सकते हैं बनारसी जो कपड़ा मिलता है बाजार से। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतना पसंद किया। जबकि वो वीडियो मैंने बहुत जल्दी में बनाई थी और लेकिन एक डिज़ाइन उसके अच्छे थे, लेटेस्ट डिज़ाइन थे, इसलिए आपको पसंद आई है। और वैसे भी मैंने जो है वो लोकल मार्केट से ही फैब्रिक लिया, उसको डिज़ाइन किया थोड़ा डिफरेंट सा। चौड़े पांचों वाली जो है शलवारें आजकल जैसे इन हैं, तो उसी तरह से मैंने जो है वो डिज़ाइन किए थे, तो आपके साथ शेयर किए, तो आपने बहुत पसंद किया, उस सबके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिस वीडियो पर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, उसका रिस्पॉन्स इस तरह से नहीं मिलता। और जो वीडियो जो हम कहते हैं कि बस यार इसको क्विकली जो है ना शूट करो और इसको एडिट करो और लगाने वाली करो, उसका जो है रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा मिलता है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसे अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है K1, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। और ये एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की सबसे मजे की बात यह है कि आप अपने दोस्तों को अगर रेफर करेंगे तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे रेफरेंस बोनस भी मिलेगा। और इसमें एक और ऑप्शन भी है, वो ये है कि आप इसमें एजेंट बन के भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं वो यहाँ पे लाइव क्रिकेट देख के भी पैसा कमा सकते हैं और लाइव क्रिकेट खेल के भी पैसा कमा सकते हैं। और इसमें अगर आप डेली लॉगिन करेंगे तो आपको डेली अच्छा खासा बोनस मिलेगा। तो अभी जाएं मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, अपने आप को अपने ईमेल और अपने मोबाइल नंबर से जो है रजिस्टर कराएं और अभी बोनस हासिल करें। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी डिजाइन विंटर से रिलेटेड। अच्छा ये मैं बता दूं, ये डिजाइन मेरे लास्ट ईयर के हैं बट स्टिल दे आर इन फैशन, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैं विंटर की तरफ अभी गई नहीं हूँ, लेकिन विंटर शॉपिंग से रिलेटेड मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी बहुत जल्दी, जिसमें खद्दड़, मरीना, लिनन एंड बहुत सारा कुछ जो है वो होगा और आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ डिज़ाइंस डिटेल में। जो फैब्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें आपको लिनन, मरीना, वेलवेट की भी शेयर करूंगी, और शिफॉन का जो मैंने वेलवेट का फ्रॉक पहना था, जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, मेरी स्टोरीज देखते हैं, मेरी पोस्ट देखते हैं, मेरी रील्स देखते हैं, उनको पता है, और उन्हीं की डिमांड पे जो है मैं इसकी डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रॉक जबकि मेरा कोई इतना नया नहीं है, 2-4 साल पुराना है, बट एक स्टिल फैशन में आपको पता है नारकली फ्रॉक्स है, ये सारी चीज़ें तो जो है ना वो चलती हैं, सो उसकी भी डिटेल्स शेयर करूंगी। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट, आपको दिखाती हूँ डिज़ाइंस, ठीक है, डिफरेंट वेराइटी है, डिफरेंट फैब्रिक है। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ड्रेस नंबर 1 से डिटेल्स में दिखाऊंगी और कोशिश करूंगी कि पिक्चर्स भी अटैच कर दूं और जो मैंने पहना है, क्योंकि वेलवेट पहनने का मेरा कोई मूड नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। अच्छा चलें आप दिखाती हूं आपको डिजाइंस। अच्छा सबसे पहले जो डिजाइन आपको मैं दिखाऊंगी दैट इज ऑन लिनन, ठीक है, लिनन मटेरियल है ये, लास्ट ईयर मैंने बनवाया था, इसको कहते हैं कलर ब्लॉकिंग, ठीक है। ये 3 डिफरेंट कलर्स का जो है वो मरीना का जो है मैंने फैब्रिक लिया था और कुछ इस तरह से इसको डिजाइन किया था। ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, इसको आप अगर हॉरिजॉन्टल में बनाना चाहें उस तरह भी कर सकते हैं, अगर वर्टिकल लाइंस बनाना चाहें तो उस तरह भी बना सकते हैं। खैर मैंने इस तरह से बनाया था 3 डिफरेंट कलर्स लेके और उनको जो है मर्ज किया, तो कुछ इस तरह से शर्ट का डिजाइन बना, सिंपल नेक लाइन विद द लूप्स, और जो मिडल वाला लूप है वो एज कम्पेयर टू दी साइड वंस थोड़ा सा लंबा है, सिंपल सा मैंने बनाया, ठीक है। इस तरह से जो है ये डिज़ाइन है इसका, 3 डिफरेंट कलर्स को मर्ज करके मैंने कलर ब्लॉकिंग करके थी डिजाइनिंग की है। अच्छा आपने मुझे ये जरूर बताना है कि कलर स्कीम आपको कैसी लगी। अच्छा ये कलर स्कीम मैंने इसलिए ऐसी ली थी क्योंकि विंटर है, विंटर में जो है वो फॉल टाइप के कलर ही अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो पिंक्स में कर सकते हैं, रेड में कर सकते हैं, या डिफरेंट जो भी आपको कलर्स अच्छे लगते हैं उनको आप मर्ज करके कलर ब्लॉकिंग करके इस तरह के ड्रेस बना सकते हैं। स्लीव्स को मैंने इस तरह कर दिया, ठीक है, स्लीव्स के आगे भी जो है वो इस तरह से लूप्स ही हैं, मुझे लूप्स बहुत पसंद है, एक तो एलिगेंट लगते हैं और डिसेंट लगते हैं। अच्छा ये शर्ट जो है ये लॉन्ग शर्ट है, शर्ट की जो लेंथ है ये 48 इंचेस की है, ठीक है, एंड स्ट्रेट शर्ट है, साथ इसके स्ट्रेट ही ट्राउजर है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका ये ट्राउजर। अच्छा ये जो मिडल कलर है उसके साथ मैंने मैच किया ट्राउजर, बॉक्स कटिंग में जो है वो ट्राउजर है, ट्राउजर की लेंथ 39 इंचेस है, पांचा जो है इसका 12 इंचेस का, सिंपल स्ट्रेट ट्राउजर। ये आपको मैं पहन के दिखा दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये लगता कैसा है पहन के। सो आई होप कि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा एंड आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, नहीं करते तो फॉलो कर लो यार, वहाँ पे मैं डेली आपको नज़र आऊँगी। अच्छा मैं
अक्सर वीडियोस में जो है वो अपलोड करने में देर लगा देती हूँ, देर नहीं लगाती, कोई मेरा कोई उसमें वो नहीं होता कोई खास मकसद, लेकिन एक बिजी होती हूँ, टाइम नहीं मिलता। खैर इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें, वहाँ तो डेली की स्टोरीज चल रही होती हैं, डेली मैं जो हूँ ना अपडेटेड आप लोगों को रखूंगी। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, साइट पे आपको मैं जो हूँ वो पिक्चर अटैच कर देती हूँ, दैट इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको मज़ा आएगा। खैर दिस इज द ड्रेस, वेरी डिसेंट, वेरी एलिगेंट, फ्रंट बैक सेम। जो मिडल में हमारे पास मैंने फैब्रिक जो कलर चूज किया सेम इसी का ट्राउजर है। अच्छा सर्दियों में दुपट्टा तो ऐसे जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग शॉल ही लेते हैं, तो इस पर कोई भी जो है वो सिंपल शॉल चल जाएगी। सही है, अब चलते हैं दूसरे ड्रेस की तरफ। ये ड्रेस है वेलवेट का, वेलवेट इज माई मोस्ट फेवरेट फैब्रिक फॉर विंटर्स। अच्छा ये मैंने वेलवेट लिया था, माइक्रो वेलवेट है, 900 ग्राम्स फ्रॉम शॉप जो थी मैंने 9000 ग्राम माइक्रो फाइबर कह रही हूँ, 9000 ग्राम्स, 9000 ही होता है ना कि 900 होता है, 9000 मतलब अच्छी वाली वेलवेट है। ये मैंने शॉपिंग में लिया था, ठीक है। और ये मेरे पास जो पड़ा आपको नजर आ रहा है ना, जो मैंने नेकलाइन पे लगाया है, स्लीव्स पे लगाया है, इसकी मैं आपको डिटेल दे देती हूँ, मेरे पास जो क्लिप्स हैं वो भी ऐड कर दूंगी। ये थी साड़ी, जारू व्हाट इज दिस हैपनिंग, डोंट डू दिस। अच्छा ये थी साड़ी, साड़ी का था बॉर्डर, ठीक है। ये बॉर्डर मैंने इस तरह से नेकलाइन पे फिक्स करा दिया एंड इसी तरह से इसके आगे जो है ना स्लीव्स पे मैंने इसको लगवा लिया। सिंपल शर्ट है, ठीक है, बट ये पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए ये साड़ी का बॉर्डर था जो मैंने इस तरह से यूटिलाइज कर लिया, उसके आसपास जो है वो मैंने लेस लगवा दी एंड बैक इसकी जो है सिंपल है। इसी तरह से इसके स्लीव्स पे भी जो है मैंने फ्रंट पे बॉर्डर लगा के आसपास उसके जो है ना ये गोटी जो लेस है ना वो लगवा ली थी। अच्छा ये वेलवेट को जितना सिंपल और एलिगेंट आप डिज़ाइन करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। सो इस तरह से शर्ट है, लूज कट में शर्ट है, लॉन्ग शर्ट है, लेकिन इस शर्ट की जो लेंथ है वो दैट इज़ 45, ठीक है। बाकी साइज तो हर एक का डिफरेंट होता है। विद वेलवेट का ही ट्राउज़र आप चाहें तो इसमें कतान सिल्क का ले सकते हैं, रॉ सिल्क का ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसका जो है ना प्लेन इसी के सेम फैब्रिक वेलवेट का कलर जो है ट्राउज़र बनवाया इस तरह से। इसकी लेंथ भी 37 है, 5 इंच का 12 इंचेस का है, सो बाकी सेम। अच्छा इसका दुपट्टा बड़ा मज़े का मैंने डिज़ाइन किया था, मज़े की बात बताऊँ ये लास्ट ईयर का था जैसे मैंने आपको बताया, बट मैंने इसका डिज़ाइन शेयर नहीं किया था, पता नहीं क्यों, खैर टाइम ही नहीं मिला था मुझे। ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा जो है वो ऑर्गेन्जा का है, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा सेम मुझे जो है ना इस कलर में। देखिए वेलवेट के साथ आप कोई भी दुपट्टा आप डाई जब कराओगे ना तो वो कभी भी सेम एग्जैक्ट वो कलर नहीं आएगा, 19-20 का फर्क आएगा। तो मुझे जो है वो वेलवेट के लिए जो है सूट के लिए दुपट्टा डाई कराना दुपट्टा लेना था, सो दुपट्टा जो है वो मैंने ऑर्गेन्जा का ले लिया। इसमें 19-20 का फर्क होता है, वो आपको कोई भी दुपट्टा एग्जैक्ट डाई नहीं होगा वेलवेट का कलर जो है, ठीक है। अच्छा ये दुपट्टा ऑर्गेन्जा का बहुत ही मज़े का लग रहा था ये जब बन के आया था, और मज़े की बात हो मैंने पहना भी नहीं है। इस तरह से इसके एंड्स पे जो है बॉर्डर पे मैंने साड़ी का ही बॉर्डर फिक्स करा दिया एंड मैं आपको डिटेल दिखाती हूँ, एक मिनट उठ के दिखाती हूँ। अच्छा ये इसका दुपट्टा, ये देखें ये दुपट्टा है इसका, ये दुपट्टे का बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर के पत्ते भी मैंने इसी तरह से फिक्स कराए, ठीक है, और इसके आसपास जो है हमारे पास आ गई इसकी गोल्डन जो गोटी पट्टी है, ठीक है, एंड इट लुक्स वेरी नाइस। एंड यू नो कि दुपट्टा जो है वो मेरा 3 मीटर का ही होता है, ये 3 मीटर का दुपट्टा है, ठीक है। इस तरह से बॉर्डर ये पहना हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या पहनेंगे इस तरह से तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वेलवेट के साथ कौन सा दुपट्टा मैं लूँ, फैब्रिक मतलब दुपट्टे का, सो इसलिए आई वेंट फॉर दिस ऑर्गेन्जा मटेरियल, बट ये बहुत अच्छा लगता है। आप निकाह वगैरह पे पहन लो, माइयों ढोलकियों पे पहन लो, आगे शादियों का जैसे सीजन आ रहा है, मेरी फैमिली में भी शादी आ रही है हालांकि बेटे की, तो मैं सोची थी किसी फंक्शन पे चला लूंगी। खैर ये हो गया हमारा ड्रेस ऑल लैक, ये कुछ होता है, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती है और आप लोग लाइक भी नहीं करते, लाइक तो कर दिया करो। अच्छा ये नंबर 2 हो गया ड्रेस हमारा, ये नंबर 2 दुपट्टा बहुत प्यारा है और ये कैरी भी हो जाएगा, ऑल्दो ऑर्गेन्जा को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास अगर साड़ी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बनारसी जो कपड़ा मिलता है बाजार से, ठीक है, काम बनारसी होता है, जामावर होता है, आप उसका जो है वो फैब्रिक लेके आप इस तरह से वेलवेट के साथ और ऑर्गेन्जा के साथ जो है पैचेस लगवा के अपना जो है वो इस तरह का डिज़ाइन जो है ड्रेस का डिज़ाइन बना सकते हैं। खैर दिस इज इट नंबर 2, देन वी हैव
दी फ्रॉक मोस्ट डिमांडिंग लाहौर जब टूर पे गई थी तो मैंने उस पर पहना था, आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगी, सबको बहुत पसंद आया था। ये कुछ इस तरह से अनारकली फ्रॉक है, ठीक है, और इसका घेरा बहुत ज़्यादा है, स्टिचिंग इस तरह से है, बीच में जो इसके पैनल्स हैं ना ये वाले, ये वी में है ताकि इसकी जो है ना वो फ्लेयर इसका ज़्यादा हो जाए। अच्छा, सिंपल बोट नेक, थोड़ा डीप है विद दी वेलवेट पैच, ठीक है, गले पे भी लगवाया, स्लीव्स पे भी लगाया और फ्रॉक के बॉर्डर पे भी, सारा जो है ना वो 4-4 इंचेस का जो है मैंने, ये देखिए फ्रॉक के बॉर्डर पे जो है 4-4 इंचेस का मैंने वेलवेट का ही पैच लगाया। ये बहुत डिसेंट लगता है, अगर आप किसी ब्रांड से लेंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। अच्छा, मैंने तो ये लिया था प्योर कपड़ा और मैंने ये अनारी कलर डाई कराया था, लेकिन है कि मार्केट में जो है वो आपको शिफॉन वैसे भी मिल जाता है 200-300 रुपए मीटर, आप उसमें भी लेके इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पैनल्स में है ये और इसका घेरा बहुत ज्यादा है, ये देखिए कितना ज्यादा इसका घेरा है, 9 कलियां फ्रंट पे है, 9 इसकी बैक पे है, कुछ इस तरह से इसका फ्लेयर बनता है, जब आप पहने में मुझे देखेंगे फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, इसकी जो स्लिप है वो मैंने इसकी अटल की ली थी और मैंने अलग से स्टिच कराई, आप चाहें तो साथ में स्टिच करा सकते हैं, और फ्रॉक शेप में ही बनाई थी। इस तरह से इसकी ये स्लिप है, ठीक है, इसको देखने का मकसद नहीं है। दुपट्टा मैंने ये खान वैरायटी से ही लिया था, प्योर में मुझे मिला था मुकेश के, इसके ऊपर कॉइन्स है और दुपट्टा भी 3 गज का लिया था, 3 मीटर्स का, और इसके साथ मैंने डाई करा लिया था, और ये ड्रेस मेरा बहुत फेवरेट है। ये देखें, ये इसका दुपट्टा, ये इसका फ्रॉक, ठीक हो गया। दुपट्टा मैं दिखाती हूँ आपको क्लोजअप में, कुछ इस तरह से मुकेश के इसके ऊपर जो है ना, ये मैंने खान वैरायटी वालों से ही लिया था, प्योर में है, मुकेश के इसके ऊपर कॉइन्स हैं और मतलब जो प्योर मुकेश होती है उसके आसपास मैंने ये किरण लगवा दी। देन आपको जो है ना वो मैं इसी के साथ ब्लैक, रेड, मतलब ब्लैक के ऊपर तो कुछ भी पहन लो तो अच्छा ही लगता है। ये दुपट्टा है, सही है, एंड 3 गज का, ठीक है। तो सिंपल, मतलब आप शिफॉन का कपड़ा लें और उसको जो है आप उसका फ्रॉक बना लें, उसके जो है वो स्लीव्स के आगे और नेकलाइन पे और बॉर्डर के चारों, मतलब पूरे घेरे पे आप वेलवेट का पैच लगा लें तो बहुत ज़बरदस्त, एलिगेंट, डिसेंट आपको जो है ड्रेस बन जाता है। मतलब किसी और ने जितना भी महंगा पहना हो, लेकिन अगर आप ऐसा कोई ड्रेस पहनेंगे और अच्छा सा कैरी करेंगे विद अ स्माइल तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, इसकी लेंथ जो है ना वो 56 इंचेस की है, बाकी साइज मेरा है और पैनल्स में बनेगा। और ये हो गया नंबर 3 ड्रेस, और आई होप कि आपको ये ड्रेसेस भी अच्छे लगे होंगे। हम इसको वापस रखते हैं, ये गया, मैंने प्योर में लिया था, मैं पहले ही बता दूं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन आप चाहें तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, मार्केट में जो है वो डाई हुए भी फैब्रिक मिल जाते हैं शिफॉन के डिफरेंट कलर्स, आप उस तरह से लेंगे तो इसको बनवाएंगे तो आपका बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ जाएगा। आई होप कि आपको आज के ड्रेसेस भी अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह, जिसमें मैं विंटर शॉपिंग शेयर करूंगी और डिज़ाइन शेयर करूंगी। और मुझे इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स आप लोग करते हैं कि आप मुझे बहुत मिस करते हैं, आप यकीन करो मैं कॉमेंट्स सब पढ़ती हूँ, लेकिन हर एक का जवाब देना ज़रा टफ हो जाता है ना, टाइम टेकिंग होता है, बट कोशिश करती हूँ कि जवाब दे सकूँ। और दूसरा, एक के साथ साथ इंस्टाग्राम भी चल रहा होता है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतनी मोहब्बत देने के लिए, मुझे मिस करने के लिए। और हाँ, मैं बता दूँ, जब आपके मैं ऐसे मैसेजेस पढ़ती हूँ ना कि आप मुझे बहुत मिस करते हैं, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है कि चलो कोई तो है जो हमारा इंतज़ार करता है। एंड आई एम कमिंग टू लाहौर इन द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह, और लाहौर की शॉपिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इस दफ़ा जब मैं लाहौर गई थी तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो घूमे फिरे, बस वो मेरा मी टाइम था, सो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कोई शॉपिंग के रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं बनाया, बट एक दिस टाइम मैं ब्लॉग्स बनाऊँगी, आपके साथ शॉपिंग शेयर करूँगी लाहौर की, देखते हैं लाहौर को भी कि लाहौर के क्या सीन है, लाहौर में क्या रेट चल रहे हैं कपड़ों के। जारू इधर आओ, आप अपनी शक्ल दिखा दो, सब पूछते हैं जारू किधर है, जारू किधर, आपको जारू से पलवा देते हैं, जारू इधर ही होती है, असिस्टेंट है ना मेरी, आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम कर ले सबको, बोले अस्सलाम वालेकुम, हाय जारू, सब कहते हैं आप अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर लें, क्या सीन है, पहले पढ़ना लें है, पहले पढ़ाई कर लेंगे फिर जारू को भी जो है ना वो ब्लॉगिंग चैनल बना देंगे, ये फिर आपके साथ रौनक मेला लगाई रखेगी। लेकिन अगर आप जारू को देखने जाते हैं डेली, जैसे बहुत सारे लोग इससे प्यार करते हैं, तो आप तो इसके लिए जो सबसे पहले तो आप इसके लिए दुआएं किया करें, फातिमा के लिए भी, और इसको अगर आप डेली देखना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। सो जारू से बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।